दोस्तों, बंगाल का रसगुल्ला और संदेश जितना फेमस है उतना ही फेमस है बंगाल का मिष्टी दही। तो आज मैं वही बंगाल फेमस मिष्टी दही की रेसिपी शेयर करूंगी, पर यह नॉर्मल मिष्टी दही नहीं होगा, ये होगा खीर दही यानी कि खीर दही। तो खीर दही यानी कि खीर दही बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 700 ml दूध, 1 से 1.5 कप चीनी और चाहिए 3/4 कप फ्रेश दही। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे और उसमें फ्रेश दही को डाल देंगे ताकि उसमें जो पानी है वो धीरे धीरे निकल आए। दही को हम ऐसे ही रख देंगे ताकि इससे सारा पानी धीरे धीरे निकल जाए। अब हम एक कढ़ाई पे या फिर सॉस पैन पे 3 टेबल स्पून शुगर ऐड कर लेंगे कैरमेल बनाने के लिए। हम शुगर को कैरमलाइज्ड इसलिए करेंगे क्योंकि बंगाल स्टाइल मिष्टी दही में जो ब्राउनिश कलर आता है वो कैरमलाइज्ड शुगर से ही आता है। शुगर को हम लो फ्लेम में कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे जब तक ना ये मेल्ट हो जाए। शुगर मेल्ट होके जब ऐसे गोल्डन हो जाए तब इमीडिएटली फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप इसको हीट करोगे तो इसमें एक कड़वापन आ जाएगा। अब इस कैरामेल पे हम ऐड करेंगे अराउंड 5 to 6 टेबल स्पून दूध। दूध को थोड़ा सा स्टर कर लेंगे और इसको ऐसे ही रख देंगे ताकि कैरामेल दूध में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। अब हम एक कढ़ाई पे बाकी बचे हुए दूध को डाल देंगे बॉईल होने के लिए। दूध को हम मीडियम फ्लेम में बॉईल करेंगे और बीच बीच में इसको स्टर करते रहेंगे ताकि ये ना जले। जब दूध में ऐसे उबाल आने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी ऐड कर सकते हो। अब हम फिर से दूध को बॉईल करेंगे ताकि इसकी क्वांटिटी कम हो जाए। दैट मीन्स अगर आप 1 किलो दूध यूज़ करोगे तो इसको बॉईल करके आपको 900 से 850 ml तक लाना है। दूध की क्वांटिटी कम हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कैरामेल मिल्क को। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इससे खीर दही बनाऊंगी, इसलिए मैं दूध को थोड़ा सा और गाढ़ा बना लूंगी। अगर आपको नॉर्मल मीठी दही बनानी हो तो दूध को बहुत ज्यादा गाढ़ा मत कीजिए। खीर दही बनाने के लिए जितना गाढ़ा दूध चाहिए उतना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और दूध को हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर दही से सारा पानी निकल आया है, तो अब हम इसको एक बोल में ले लेंगे और दही को थोड़ा सा फेंट लेंगे। अगर आप दही से पानी नहीं निकालोगे तो आप इस दही से जो नया दही बनाओगे उसमें पानी आ जाएगा। दही को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि ये दूध में अच्छे से मिक्स हो सके। अब हम इस दही में ऐड करेंगे कैरामेल मिल्क को और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को कैरामेल मिल्क में ऐड कर लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ध्यान रखिए कि दही को बहुत ज्यादा गर्म दूध में नहीं ऐड करनी चाहिए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कोई भी क्ले पॉट या फिर अपने पसंद का कोई भी बोल या फिर कप में डाल लेंगे। अब हम दही को ओवरनाइट या फिर 14 से 15 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे गर्म जगह पे। नॉर्मली गर्मियों में दही बहुत जल्दी जम जाता है, पर सर्दियों में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। मैंने दही को ओवरनाइट रखा था जमने के लिए और आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छे से जमा है। बाहर से तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलिए देखते हैं कि ये अंदर से कैसा बना है। ये बाहर से जितना अच्छा बना है अंदर से भी उतना ही अच्छा बना है। तो
तो आई होप दोस्तों कि आप सबको बेंगोली स्टाइल खीर दही की रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इस रेसिपी को एक लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। थैंक यू।